हेलो एंड वेलकम टू 100 परसेंट मैथ्स आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास टेंथ के लिए हमारे 50 एम सी क्यूज़ फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी बोर्ड्स के लिए लास्ट वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की थी अपलोड की थी वो थी 50 एम सी क्यूज ठीक है तो आ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया है तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो का ये वाला वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा ठीक है और दूसरे मैंने अपलोड किए थे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उसकी भी दो वीडियोज़ हैं ठीक है थीके? दोनों ही वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें आपको टू और थ्री मार्क्स के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे ठीक है तो ये सारे वीडियोस आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो वो जाकर ज़रूर चेकआउट करिए तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 एम सी क्यू दैट विल बी ऑफ द बेसिक एंड स्टैंडर्ड लेवल बोथ ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये क्लास टेंथ के लिए सो so एंड तक जरूर देखिएगा आइए वीडियो स्टार्ट, तो स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते हैं विद नंबर वन क्वेश्चन द एल सी एम ऑफ टू रेज टू पावर थ्री थ्री इंटू फाइव एंड टू रेज टू पावर फोर फाइव इंटू सेवन तो एल सी एम में हम क्या लेते हैं एल सी एम में हम सारे नंबर लेते हैं जितने भी नंबर्स होते हैं और सबकी हाइएस्ट पावर लेते हैं अब टू है तो टू की हाइएस्ट पावर क्या है यहाँ पर टू रेज टू पावर थ्री है यहाँ पर टू रेज टू पावर फोर है तो एल सी एम में हम हाइएस्ट पावर लेंगे किसी भी नंबर की ठीक है दूसरा नंबर है थ्री अब थ्री इसमें है ही नहीं तो थ्री की पावर जो है वो वन ही बड़ी है तो थ्री ले लेंगे देन दोनों में की पावर वन ही है तो फाइव ले लेंगे और साथ में सेवन ले लेंगे ठीक है जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे टू पावर इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन मल्टीप्लाई करने पे बनेगा वन सिक्स एट जीरो ऑप्शन नंबर बी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू क्वाड्रेटिक पोलिनोम हुज जीरोज़ आज माइनस थ्री एंड फोर ठीक है तो उसकी जीरोज हमें गिवन है माइनस थ्री एंड फोर तो मान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनल उसके अल्फ़ा बीटा जीरोज हैं तो एक अल्फ़ा की वैल्यू माइनस थ्री है और बीटा की वैल्यू फोर है ठीक है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनल बनाना है तो हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज सम मतलब अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस थ्री प्लस फोर वन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फा इंटू बीटा माइनस थ्री इंटू फोर दैट इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व अब कैसे क्वाड्रेटिक पोलिनॉमल बनता है माइनस एस एक्स प्लस पी है ना शॉर्टकट फॉर्मूला बता रखा है आपको एस है सम ऑफ जीरोस पी क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पुट करो वैल्यूज एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स ठीक है प्लस माइनस ट्वेल्व ठीक है तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमल बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व ठीक है दैट इज ऑप्शन नंबर सी ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं द इलेवेंथ टर्म ऑफ द ए पी ठीक है तो ए पी हमारी है रूट टू थ्री अंडर रूट टू फाइव अंडर रूट टू एंड सो ऑन इसमें फर्स्ट टर्म क्या है अंडर रूट टू है आपकी डी क्या है डी इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म थ्री अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट टू तो इसके बाहर क्या है वन थ्री माइनस वन टू अंडर रूट टू हो गया है ना ये हो गया अब हमें इसकी इलेवेंथ टर्म निकालनी है तो एन कितना है इलेवन ठीक है तो इलेवेंथ टर्म कैसे निकलेगी ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ठीक है सो यानी कि ए इलेवन आपको निकालना है ए है आपका अंडर रूट टू एन है आपका इलेवन माइनस वन डी है आपका टू अंडर रूट टू ठीक है इसको सॉल्व करते हैं अंडर रूट टू इलेवन माइनस वन कितना हो गया टेन इंटू टू अंडर रूट टू ठीक है अंडर रूट टू प्लस ट्वेंटी टेन इंटू टू ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में ट्वेंटी अंडर रूट टू इसके बाहर क्या है वन और ये क्या है ट्वेंटी दैट इज ट्वेंटी वन अंडर रूट टू तो इसकी इलेवेंथ टर्म आ गई है हमारे पास ट्वेंटी वन अंडर रूट टू दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है तो जब भी नेचर पूछी जाए तो हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर देख लेना है कैसा डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है ठीक है इसमें ए की वैल्यू टू है बी की वैल्यू वन है सी की वैल्यू फोर है क्योंकि मैंने ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यूज लिखी हैं ठीक है जी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ठीक है तो बी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर फोर इंटू टू इंटू फोर वन माइनस फोर इंटू फोर सिक्सटीन सिक्सटीन इंटू टू थर्टी टू दैट इज इक्वल टू माइनस थर्टी वन डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है दैट इज लेस देन जीरो देआर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं होंगे ठीक है तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जब भी नेचर पूछी जाए तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर आपने बता देना है ओके okay जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव द सेकेंड टर्म ऑफ द ए पी तो आपको मतलब सेकेंड टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है बट हमें गिवन क्या है हमें गिवन है एस ऑफ एन ठीक है तो एस ऑफ एन क्या होता है एस ऑफ एन हमें गिवन है एन स्क्वायर प्लस टू एन ठीक है तो मैं यहाँ से सबसे पहले एन इज इक्वल्स टू वन वैल्यू पुट करके एस ऑफ वन निकाल लेती हूँ वन का स्क्वायर टू एन टू वन वन प्लस टू कितना हो गया थ्री अगर मैं एन की वैल्यू टू डालूँ तो एस ऑफ टू क्या आ जाएगा टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू टू दैट इज फोर प्लस फोर कितना हो गया एट ठीक है अब यहाँ से हमें पता है कि ए वन जो होता है वो तो एस वन के इक्वली होता है बट ए टू कैसे निकालते हैं ए टू हम निकालते हैं एस टू माइनस एस वन है ना ये दो एस टू में से अगर एस वन माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है ए टू आ जाता है तो ए टू इज इक्वल टू एट माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू फाइव यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं द रूट्स ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू टू ठीक है तो एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू टू इसके रूट्स निकालने हैं हमें तो सबसे पहले हम इसको सॉर्ट करेंगे एक्स एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर बन गया एक्स स्क्वायेयर प्लस वन इज इक्वल टू टू तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स एक्स स्क्वायेयर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है मैंने टू एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आई ठीक है अब इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज कर लो वन और वन में स्प्लिट कर लो ठीक है तो फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन एक्स माइनस वन वन कॉमन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो तो एक फैक्टर एक्स माइनस वन बना दूसरा फैक्टर भी x माइनस वन बना तो रूट्स क्या बन गए इसके x माइनस वन को जीरो के इक्वल इक्वेट करो और रूट्स बन गए इसके वन कोमा वन ठीक है ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर सेवन अ पेयर ऑफ लीनियर द यूनिक सोल्यूशन ठीक है तो उसने कहा कि कौन सी लीनियर इक्वेशंस का ये वाला जो है सोल्यूशन बन रहा है ठीक है तो हम क्या करेंगे पार्ट वाइज पार्ट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली जो इक्वेशन है वो ये है हमारे पास तो x प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू फाइव ठीक है फर्स्ट पार्ट आप क्या करेंगे इसमें पुट करके वैल्यूज देखेंगे तो ये अगर ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं तो वही उसका सोल्यूशन होगा ठीक है तो x की वैल्यू माइनस वन की वन है y की वैल्यू थ्री है तो माइनस वन माइनस थ्री ठीक है क्या ये माइनस फोर के इक्वल है देखो ये माइनस फोर के इक्वल है तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पुट करके देखिए माइनस वन प्लस टू इंटू थ्री दैट इज माइनस वन प्लस सिक्स कितना हो गया फाइव क्या ये फाइव के इक्वल है राइट हैंड साइड के इक्वल है बिल्कुल ठीक है तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन uh, है इसी में ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेटिस्फाई कर रही हैं सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अगर नहीं कर रही होती तो मैं बी सी और डी ऑप्शन को भी चेक करती हूँ ठीक है ना इस तरह से आप चेक कर सकते हैं राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट पे चलते हैं इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स फोर कॉमा पी एंड वन कॉमा जीरो इज फाइव यूनिट्स ठीक है तो डिस्टेंस जो है आपको फाइव यूनिट्स गिवन है ठीक है पॉइंट आपको गिवन है फोर कॉमा पी और वन कॉमा जीरो ठीक है तो आपको वैल्यू निकालनी है पी की राइट right? तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेते हैं ठीक है तो डिस्टेंस फार्मूला लेट मान लेते कि ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है तो ए बी के बीच में डिस्टेंस कितना गिवन है फाइव गिवन है ठीक है सो ए बी के बीच में डिस्टेंस लगाएंगे फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू होल स्क्वायर ठीक है राइट सो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे आप किसी को भी एक्स वन और एक्स टू मान सकते हो सो फोर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस पी माइनस जीरो का होल स्क्वायर और इधर कितना आएगा फाइव आएगा क्योंकि डिस्टेंस फाइव गिवन है ठीक है सो फाइव इज इक्वल्स टू ये हो गया थ्री का होल स्क्वायर नाइन प्लस पी माइनस ज़ीरो दैट इज़ पी स्क्वायर ओनली ठीक है आप क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से इसका अंडर रूट जो है वो हट जाएगा ठीक है सो so, इसका जो अंडर रूट है वो हट जाएगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव इज इक्वल्स टू नाइन प्लस पी स्क्र ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन इज इक्वल टू पी स्क्र सिक्सटीन इज इक्वल्स टू पी ठीक है तो पी की वैल्यू आ गई रूट सिक्सटीन दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस फोर ठीक है सो वैल्यू ऑफ पी इज प्लस माइनस फोर यानी कि ऑप्शन नंबर बी ओके okay जी सो क्वेश्चन नंबर नाइन पे मूव करते हैं अ अ अ टेंजेंट एट पॉइंट पी ऑफ सर्कल तो ये सर्कल मैंने ड्रॉ करा है ठीक है तो ये ये मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ द सर्कल है और पॉइंट पी जो है वो ये वाला है और पी क्यू जो है वो एक टेंजेंट है ठीक है जी अब यहाँ पर रेडियस कितना है फाइव सेंटीमीटर है मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू ठीक है तो इसको हम ओ और क्यू को ज्वाइन कर देते हैं सच दैट ओ क्यू की जो लेंथ हमें गिवन है दैट इज ट्वेल्व सेंटीमीटर ठीक है और रेडियस कितना गिवन है हमें फाइव सेंटीमीटर गिवन है ठीक है तो हमें यहाँ पर पी क्यू की जो लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है ठीक है तो ये पी क्यू की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर एंगल जो है वो क्या होगा 90 डिग्री होगा ये तो हमें अच्छे से पता है क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि ओ पी ये क्या है रेडियस ठीक है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ठीक है तो OP पी इज पर पेंडिकुलर टू दी क्यू राइट सो हम यहाँ पर पैथोग्रस थ्योरम लगा सकते हैं तो पैथोग्रस थ्योरम कैसे लगेगी ओ क्यू स्क्र इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायेर प्लस पी क्यू स्क्वायेयर क्योंकि ये ओ क्यू जो है वो हाइपोट बन जाएगा ठीक है ना सो दिस इज ट्वेल्व स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव स्क्वायर ठीक है प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर ट्वेल्व का स्क्वायर वन हंड्रेड फोर्टी फोर यहाँ पर ट्वेंटी फाइव इधर माइनस आ जाएगा ठीक है सो दिस इज इक्वल टू 119 इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर सो इसका रूट करेंगे सो पी क्यू की वैल्यू आ गई 119 हंड्रेड रूट सेंटीमीटर ठीक है रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन पे चलते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द यूनिट जीरो कॉमा सिक्स एंड जीरो कॉमा माइनस टू ठीक है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हमारे पास दो पॉइंट है जीरो कॉमा सिक्स एंड जीरो कॉमा माइनस टू ठीक है लेटर्स से ये ए और बी पॉइंट से ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे जीरो माइनस जीरो का होल स्क्वायर ठीक है फॉर्मूला आपको पता है एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर वाई वन माइनस वाई टू होल स्क्वायर सिक्स माइनस माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है जीरो का होल स्क्वायर जीरो ठीक है सिक्स माइनस माइनस टू एट का होल स्क्वायर, ठीक है जीरो प्लस सिक्सटी फोर ठीक है तो सिक्सटी फोर का अगर रूट करेंगे सो दैट विल बी एट सो डिस्टेंस इज एट यूनिट्स यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर इलेवन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो द मीडियन क्लासेस ठीक है तो हमें मीडियन क्लास यहाँ पर ढूंढनी है ठीक है तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहले मार्क्स बिलो टेन ठीक है बिलो टेन बिलो ट्वेंटी बिलो थर्टी तो सबसे पहले इसको हम जो क्लास इंटरवल्स हैं वो ठीक करके लिखते हैं तो जीरो टू टेन लिख सकते हैं देन हमारा आ जाएगा टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी ठीक है थर्टी टू फोर्टी राइट एंड फोर्टी टू फिफ्टी एंड फिफ्टी टू सिक्सटी ठीक है इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज जो गिवन है वो लिख लेते हैं थ्री ट्वेल्व ट्वेंटी सेवन फिफ्टी सेवन ठीक है सेवेंटी फाइव और एटी और ये फ्रीक्वेंसीज नहीं है यहाँ पर देखो ये सारी इंक्रीजिंग में है तो ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही गिवन है अगर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी गिवन होती तो हम उसमें पहले क्यूमुलेटिव निकालते हैं ठीक है तो यहाँ तो ऑलरेडी गिवन है तो ये तो हमारा काम आसान हो गया तो लास्ट क्यूमोलेटिव मतलब लास्ट एन बाई टू ये कैपिटल एन की वैल्यू होती है क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू कैपिटल एन होगी टोटल ऑफ द फ्रिक्वेंसीज ठीक है तो एन बाई टू कैलकुलेट करेंगे दैट इज़ एटी बाई टू दैट इज इक्वल टू फोर्टी अब अब देखो 40 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है तो 40 से जस्ट बड़ी वैल्यू है क्यूमोलेटिव फ्रिक्वेंसी में 57 है ना उसकी करस्पोंडिंग क्लास कौन सी है 30 टू 40 तो ये हमारी बन गई मीडियन क्लास ठीक है तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बनाया हुआ है अगर यहाँ पर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती देखो लिखा फ्रिक्वेंसी हुआ है कन्फ्यूजन के लिए बच्चे क्या करेंगे इसी की क्यूमुलेटिव निकाल देंगे और एक बार वो गलत हो जाएगा ध्यान रखना है अगर फ्रीक्वेंसीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है इस तरह से तो ये ऑलरेडी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही है ठीक है और इसके मार्क्स जो है वो आप इस तरह से लिख सकते हैं तो 30 टू 40 जो हो गई वो हो गई इसकी मीडियन क्लास ऑप्शन नंबर सी क्लियर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे चलते हैं द वैल्यू ऑफ वन प्लस कॉज ए वन माइनस कॉज ए इन टू को यहाँ पर सारा क्वेश्चन मैं लिख लेती हूँ वन प्लस कॉज ए वन माइनस में एसिकंड स्क्वायर ए क्या वैल्यू है इसकी तो सबसे पहले यहाँ पर देखो दिस इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी ठीक है क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी यानी कि वन स्क्वायर माइनस स्क्वायर ए है ना अब हमें एक आइडेंटिटी अच्छे से पता है दैट इज साइंस स्क्वायर ए प्लस को स्क्वायर ए क्या वैल्यू होती है वन ठीक है तो अगर मुझे यहाँ पर uh, मैं वन माइनस को स्क्वायर ए कर दूँ तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी वन साइन स्क्वायर ए ठीक है तो साइंस स्क्वायर ए यहाँ पर लिख सकती हूँ ठीक है और साथ साथ जो को सिकेंट स्क्वायर ए है उसको हम साथ, -साथ यहाँ पर लिखेंगे ठीक है तो क्या मैं को सिकेंड स्क्वायेर ए को वन अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकती हूँ बिल्कुल लिख सकती हूँ तो यहाँ पर ऑलरेडी साइन स्क्वायर ए है कैंसल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई वन बन गई ठीक है यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन सरिता बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हर एक्वेरियम द शॉपकीपर टेक्स आउट अ फिश एट अ रैंडम फ्रॉम अ टैंक ठीक है तो शॉपकीपर ने निक फिश निकाली कंटेनिंग टेन मेल फिश ठीक है तो टेन मेल फिशेज हैं और ट्वेल्व जो है वो फीमेल फिशेज हैं ठीक है क्या प्रोबेबिलिटी है दैट द फिश टेकन आउट एज अ फीमेल फिश ठीक है तो पहले हम टोटल फिशेज देख लेते हैं तो टोटल फिशेज जो हैं दैट इज टेन प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी टू ठीक है तो क्या प्रोबेबिलिटी है फीमेल फिश आने की तो फीमेल फिश कितनी है ट्वेल्व है डिवाइडेड बाय टोटल फिशेस तो इसको कैंसिल आउट करो टू के टेबल पे दैट इज सिक्स बाय इलेवन ठीक है ये प्रोबेबिलिटी है फीमेल फिश आने की दैट इज सिक्स बाय इलेवन ऑप्शन नंबर डी ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे मूव करते हैं राइट द फॉर्मूला फॉर यूज फॉर कैलकुलेटिंग द मीडियम ऑफ अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वेरी इजी क्वेश्चन बेसिक वालों के लिए ही है ठीक है तो एक बार फार्मूला रिवाइज करवाने के लिए क्वेश्चन मैंने लिया है तो मीडियम का फॉर्मूला होता है दिस वन एल एल इज अ लोअर क्लास लिमिट ठीक है ऑफ द मिडिल क्लास एन इज़ द टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी माइनस क्यूमलेट फ्रिक्वेंसी हमने प्रीवियस क्लास की लेनी होती है यहाँ पर और डिवाइडेड बाई फ्रीकवेंसी मल्टीप्लाई बाय एच एच क्या होता है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल ठीक है तो आपको यहाँ पर ये यह फॉर्मूले के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कौन सी एल्फेबेट क्या दर, क्या यहाँ पर डिक्टेट कर रही है ठीक है सो दिस इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मीडियन ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वन बाई कोसिकेंट थीटा ठीक है तो वन बाई कोसिकेंट थीटा को क्या हम साइन थीटा लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमें इसकी वैल्यूज़ पता हैं। जीरो डिग्री थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव सिक्सटी और नाइन्टी डिग्री पे क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं जीरो वन बाई टू ठीक है ये मैं साइन थीटा की लिख रही हूँ जीरो वन बाई टू वन बाई अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री बाई टू एंड लास्ट साइन नाइन्टी की वैल्यू कितनी होती है वन होती है तो अब आप बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वन ठीक है ना साइन नाइनटी पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ओके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पे ठीक है सिक्सटीन पे डिफाइंड द नंबर इफ़ एट टाइम्स ऑफ एट ठीक है तो लेट मान लेते हैं कि जो हमने नंबर लिया है वो हमारा x है इफ़ एट टाइम्स ऑफ इट एट टाइम्स ऑफ एट मतलब एट एक्स इज़ एडेड टू इट्स स्क्वायर ठीक है तो इसका अगर स्क्वायर देखें स्क्वायर ऑफ़ द नंबर तो स्क्वायर ऑफ़ द नंबर क्या होगा एक्स स्क्वायर तो क्या बोला उसने इफ़ एट टाइम्स ऑफ इट यानी कि एट एक्स अगर उसको उसके स्क्वायर में ऐड कर दिया जाए द सम सो ऑपटेंड मतलब इन दोनों को इनका जो सम है दैट इज माइनस सिक्सटीन ये आपकी इक्वेशन है आपको नंबर फाइंड आउट करना है यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ठीक है तो आप इसको पहले सॉर्ट आउट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स सिक्सटीन को भी ले आइए प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो ठीक है अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज करो फोर एक्स और फोर एक्स में स्प्लिट करो ठीक है तो मैं ये मैंने स्प्लिट कर लिए फर्स्ट टू टर्म्स में से एक्स कॉमन आया ठीक है नेक्स्ट फोर कॉमन आया ठीक है तो x प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो ठीक है और इज इक्वल टू जीरो और एक फैक्टर है x प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो ठीक है दोनों ही फैक्टर सेम है तो x की वैल्यू आ गई माइनस फोर ठीक है यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट सेवेंटींथ क्वेश्चन पे चलते हैं राइट द फॉर्मूला यूज फॉर कैलकुलेटिंग द मोड अब ये मोड का फॉर्मूला कैसा होता है मोड का फॉर्मूला होता है ये वाला एल इज द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ठीक है एफ वन एफ जीरो और एफ टू जो है जोन सी भी आपकी मॉडल क्लास होगी ठीक है उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो आपकी एफ वन होगी उससे प्रीवियस क्लास की एफ जीरो होगी और उसकी अबव क्लास की एफ टू होगी पता है आपको अच्छी तरह से एच क्या है साइज ऑफ क्लास इंटरवल सो दिस इज द फॉर्मूला यूज फॉर कैलकुलेटिंग द मोड ओके जी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट चलते हैं हम अपने एटीनथ क्वेश्चन पे अगर टैन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू टू है तो वैल्यू क्या है टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉड स्क्वायर थीटा की ठीक है तो हम क्या करेंगे टैन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू हमें गिवन है टू हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं ठीक है तो मैंने क्या किया टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू का होल स्क्वायर ठीक है अब यहाँ से क्या होगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉड स्क्वायर थीटा प्लस टू टैन थीटा कॉड थीटा इज इक्वल्स टू फोर ये मैंने ए प्लस बी होल स्क्वायर खोल दिया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉड स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने दो ठीक है प्लस टू टैन थीटा और क्या मैं स्कॉट थीटा को वन अपॉन्ट टैन थीटा लिख सकती हूँ बिल्कुल लिख सकती हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा सो so, टैन स्क्वायर थीटा प्लस स्कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू इज इक्वल्स टू फोर सो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा फोर माइनस टू कितना हो गया टू ही हो गया ठीक है सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए राइट नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पे ठीक है सो so, यहाँ पर एक्स जो है वो हमें गिवन है यहाँ पर टू रेस टू पावर टू थ्री रेस टू पावर थ्री सेवन रेस टू पावर टू और वाई गिवन है एच सी एफ निकालना है तो सी में हम वही नंबर्स लेते हैं जो हमारे पास दोनों में अवेलेबल हो और जो नंबर लेना है आपको उसकी छोटी पावर लेनी है ठीक है यहाँ पर टू देखना है टू की छोटी पावर क्या है टू रेस टू पावर टू तो सी में हम वही लेंगे ठीक है थ्री दोनों में है दे ले लेंगे पर थ्री की पावर छोटी कौन सी है थ्री रेस टू पावर टू ये ले लेंगे अब फाइव दोनों में नहीं है तो नहीं लेंगे सेवन दोनों में है तो वो ले लेंगे सेवन की पावर यहाँ पर वन है और यहाँ पर टू है तो सेवन की पावर छोटी कौन सी है सेवन की पावर वन छोटी है सो दिस इज फोर दिस इज नाइन एंड दिस इज सेवन ठीक है सो फोर इंटू नाइन थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स इंटू सेवन दैट इज इक्वल टू टू हंड्रेड एंड फिफ्टी टू यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई ठीक है अगर ये लाइंस कह रहा है कि ये पार्लर है तो वैल्यू ऑफ पी क्या है सबसे पहले हम लाइंस यहाँ पर लिखते हैं थ्री एक्स प्लस टू पी वाई इक्वल्स टू 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 एक्स प्लस फाइव वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो सबसे पहला काम आपको करना होता है कि राइट हैंड साइड पे जीरो होना चाहिए दोनों इक्वेशंस के तो एक में तो है दूसरी में नहीं है तो हम कर लेते हैं ठीक है तो ये वाला जो टू था वो मैंने इधर ले आई ठीक है यहाँ से अब ए वन बी वन और सी वन के वैल्यूज निकालिए ए वन की वैल्यू थ्री बी वन की वैल्यू टू पी सी वन की वैल्यू माइनस टू यहाँ से ए टू की वैल्यू टू बी टू की वैल्यू फाइव सी टू की वैल्यू वन ठीक है अब ये क्या कह रहा है कि ये पैलर हैं तो पैर के केस में कंडीशन क्या होती है ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू यही होता है ना सो वैल्यूज़ पुट करिए थ्री बाई टू इक्वल्स टू टू पी बाय फाइव इज नॉट इक्वल टू माइनस टू बाई वन तो आप इस दोनों को पहले कंसिडर कर लीजिए और पी की वैल्यूज निकाल लीजिए सो फाइव थ्री इजा फिफ्टीन इज इक्वल्स टू टू इंटू टू पी फोर पी ठीक है सो दिस इज फिफ्टीन बाई फोर ठीक है इज इक्वल्स टू पी यानी कि वैल्यू ऑफ पी इज फिफ्टीन बाई फोर ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू थ्री तो दो इक्वेशन हमें गिवन है ठीक है तो हमें यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज को निकाल कर बताना है ठीक है तो यहाँ पर किसी एक का कफिशंट जो है वो आप सेम कर लीजिए चाहे आप एक्स का चाहे आप वाई का ठीक है तो मैं पहली इक्वेशन को सेवन से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो सेवन एक्स प्लस सेवन वाई इक्वल्स टू ट्वेंटी वन ठीक है दूसरी इक्वेशन क्या बनगी से सेवन एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल्स टू टू उसको नीचे लिखेंगे साइंस करेंगे चेंज सेवन एक्स सेवन एक्स कैंसिल सेवन माइनस सिक्स वाई वन बाई रह गया ट्वेंटी वन माइनस टू कितना हो गया नाइनटीन ठीक है तो अब यहाँ पर आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो मैं इसको पहली इक्वेशन में ही पुट कर रही हूँ तो पहली इक्वेशन में जब पुट कर रही हूँ तो x प्लस नाइनटीन इज इक्वल टू थ्री तो x आ जाएगा माइनस का सिक्सटीन ठीक है यानी कि ऑप्शन नंबर डी x माइनस सिक्सटीन एंड y नाइनटीन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू फॉर वॉट वैल्यूज ऑफ ए डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायेर माइनस ए एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो नॉट हैव रियल रूट्स ठीक है तो रियल रूट्स कब नहीं होते जब रियल रूट्स नहीं होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है लेस देन ज़ीरो होता है ये तो हमें बात पता है अच्छी तरह से ठीक है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ठीक है हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं और उसको लेस देन ज़ीरो कर देते हैं और हमारी वैल्यू ऑफ ए आ जाएगी चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको सो so, सबसे पहले ए बी सी की वैल्यूज़ लिखते हैं तो ए की वैल्यू वन है बी की वैल्यू माइनस ए है और सी की वैल्यू क्या है वन है ठीक है अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बी स्क्र माइनस फोर ए सी जो कि क्या होगा लेस देन ज़ीरो क्योंकि इसके रियल रूट्स जो हैं वो नहीं है ओके सो वैल्यू पुट करो माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू वन लेस देन ज़ीरो माइनस ए का होल स्क्वायेर ए स्क्वायर माइनस फोर लेस देन ज़ीरो ठीक है तो so, ये क्या हो जाएगा फोर को मैं क्या करूँगी दोनों साइड पे प्लस करूँगी ठीक है लीनियर इन वाला जो पोर्शन है ये आपका क्लास एलेवेंथ में आता है बट आप इसको समझिए यहाँ से मुझे माइनस फोर हटाना है ठीक है तो मैं ऐड कर दूंगी दोनों साइड्स पे प्लस फोर को ठीक है ताकि ये हट जाए तो ए स्क्वेर लेस देन कितना हो गया फोर हो गया ठीक है ए स्क्वायर लेस देन फोर का क्या मतलब हुआ कि ए की वैल्यू क्या आएगी है ना अब ए की वैल्यू क्या आएगी अब ए की वैल्यू होगी जब हम इसका रूट करेंगे तो प्लस माइनस टू होगी है ना जब हम इसका रूट करेंगे फोर का तो प्लस माइनस टू होगी यानी कि जो ए की वैल्यू है वो माइनस टू और टू के बीच में लाई करेगी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये ए की वैल्यू जो है वो माइनस टू और टू के बीच में लाई करेगी ठीक है यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री पे चलते हैं द पैरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल ए बी ठीक है तो यहाँ पर एक ट्रायंगल है तो हम एक फिगर बनाएंगे ए बी ठीक है अब यहाँ पर ए के वर्टिसेस हैं फोर कॉमा ज़ीरो ज़ीरो कॉमा ज़ीरो और ये थ्री कॉमा जीरो कॉमा थ्री सॉरी ठीक है अब यहाँ पर कह रहा है कि इस ट्राइंगल का हमें पैरीमीटर चाहिए ठीक है तो पैरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स बट ये तो वर्टस गिवन है यहाँ पर साइड्स का डायमेंशन uh, तो गिवन ही नहीं है तो क्या हम साइड का डायमेंशन निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं देखो ए ओ का डिस्टेंस निकाल लो ऐसे ही या बी ओ का डिस्टेंस निकाल लो और ऐसे ही आप ए बी का डिस्टेंस निकाल लो तीनों को प्लस कर दो और पैरीमीटर आ जाएगा तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे ए ओ में ठीक है फोर माइनस जीरो का होल स्क्वायर जीरो माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर रूट ऑफ सिक्सटीन फोर आ गया ठीक है यानी कि ए ओ की लेंथ कितनी है फोर यूनिट्स है सो so, ऐसे बी ओ निकालेंगे ज़ीरो माइनस जीरो का होल स्क्वायर जीरो माइनस थ्री का होल स्क्वायर जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है ना तो आप देख कर ही बता दोगे कि इसका डिस्टेंस थ्री है और इसका डिस्टेंस कितना है फाइव है ठीक है क्योंकि फोर का स्क्वायर सिक्सटीन थ्री का स्क्वायर नाइन दोनों को प्लस करेंगे ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव का रूट फाइव ठीक है सो प्रैक्टिस पे ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं ठीक है थेके? सो फोर माइनस जीरो एंड जीरो माइनस थ्री ठीक है इज इक्वल टू सिक्सटीन प्लस नाइन रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव कि फाइव ठीक है सो पैरीमीटर क्या आ गया आपका पैरीमीटर आ गया फोर प्लस थ्री प्लस फाइव यानी कि ट्वेल्व यूनिट्स ठीक है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पे इफ़ पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ द क्वाडराटिक इक्वेशन ठीक है तो p और q क्या है इसके रूट्स हैं तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है p और q की ठीक है तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायेयर प्लस पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है यहाँ से a की वैल्यू वन है b की वैल्यू p है और c की वैल्यू माइनस क्यू है ठीक है अब p और q क्या है इसके रूट्स हैं ठीक है के तो sum of roots निकालेंगे क्स टू माइनस पी ठीक है तो ये इधर ले आते हैं p प्लस पी इज इक्वल टू माइनस क्यू यानी कि 2p जो है वो माइनस क्यू के इक्वल है अभी इसको ऐसे रहने देते हैं नेक्स्ट निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब पी इन टू क्यू ठीक है क्योंकि पी और क्यू इसके रूट्स हैं सी अपॉन ए इसका फॉर्मूला होता है ठीक है तो पी क्यू इज इक्वल टू सी क्या है आपका माइनस क्यू अपॉन वन पी क्यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू है ना ये आ गया अब यहाँ से अगर मैं क्यू को इसके नीचे ले जाऊँ तो ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा सो so, पी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन ठीक है तो तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आ चुका है बट फिर भी आप यहाँ पर पुट करके निकालिएगा तो पी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं टू इंटू माइनस वन इज इक्वल टू माइनस क्यू माइनस टू इज इक्वल टू माइनस क्यू ठीक है तो क्यू की वैल्यू जो है वो आ गई टू ठीक है तो क्यू की वैल्यू टू है और पी की वैल्यू क्या है माइनस वन है क्लियर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव पे तो यहाँ पर हमें गिवन है फिगर में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी ठीक है तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल है ए डी इज इक्ल टू बी ई देन डी ई किसके पैरलर है ठीक है तो हमें ये बताना है यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डी ई e जो है वो पैरलर तो ए बी के ही बन रही है ठीक है अगर गैस लगाना है तो आंसर ऑप्शन नंबर डी है बट हम इसे निकाल कर बताना होगा कि ये किस तरह से है ठीक है तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी तो ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ए बी सी हमें गिवन है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है ठीक है अगर एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है तो एंगल ए के ऑपोजिट साइड कौन सी है बी सी ठीक है एंगल ए के ऑपोजिट साइड है बी सी और एंगल बी के ऑपोजिट साइड कौन सी है ए सी ठीक है सो देयर फोर वी कैन राइट कि बी सी जो है वो ए सी के इक्वल है है ना अब बी सी जो है वो ए सी के इक्वल है और एक चीज़ हमें और गिवन है कि ए डी जो है वो बी ई e के इक्वल है है ना ये जो ए डी है ये ये वाली साइड e के इक्वल है ए डी बी की इक्वल है अब ए डी जो है अगर बी ई e के इक्वल है सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि डी सी जो है वो ई e, सी के इक्वल है क्योंकि पूरी बी सी ए सी के इक्वल है अगर ये वाला पोर्शन इतना बराबर है तो ये जो डी सी और ई e, सी है वो भी बराबर होंगे सो देआर फोर डी सी इज़ इक्वल्स टू ई सी है ना ठीक है अगर पूरा ही लाइन बराबर है अगर ये देखो ये ए सी और ये बी सी पूरे एक दूसरे के बराबर हैं अभी मैंने लिखा था ना यहाँ पर तो अगर ये इतना पोर्शन बराबर है तो ये जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है ये भी बराबर होगा डी सी इज इक्वल टू ई सी होगा ठीक है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि अगर हम लिखें तो सी डी डिवाइडेड बाई ए डी इज इक्वल टू ई सी डिवाइडेड बाई बी ई है, क्या किया मैंने ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है ठीक है ये मेरी फर्स्ट और ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से क्या कर दिया मैंने डिवाइड कर दिया ठीक है डिवाइडिंग टू बाय वन ओके सो यही तो हमें चाहिए होता है दो, दोनों को पैर प्रूव करने के लिए सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ठीक है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी कैन राइट की डीई जो है दैट इज पैलर टू ए ठीक है ना तो ये जो लाइन है वो इस लाइन के क्या है पैरलर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर इज द करेक्ट वे टिक टू डू दिस क्वेश्चन अगर पूरा सॉल्व करके आओगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे ओके okay जी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स पे द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरलर टेंजेंट्स ठीक है सबसे पहली बात टू पैरलर टेंजेंट्स कैसे होंगी ठीक है एक टेंजेंट इस तरह से होगी और एक टेंजेंट इस तरह से होगी ठीक है ना ये होगी दो पार्लर से तो कह रहा है तो रेडियस जो है वो सर्कल का फाइव सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना हो गया टेन सेंटीमीटर हो गया है ना ये सेंटर ऑफ द सर्कल है तो रेडियस हमें गिवन है फाइव सेंटीमीटर हमें बताना है कि इसके बीच दो पैरलट टेंजेंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है ऑब्वियसली सी बात है दस सेंटीमीटर का दिख ही रहा है आपको क्योंकि रेडियस हमें गिवन था पांच सेंटीमीटर है तो हम जो डिस्टेंस है बिटवीन टू टेंजेंट्स विल पैरल डाया मीटर तो डाया क्या होगा फाइव प्लस यानी कि टेन सेंटीमीटर ठीक है या फिर फाइव प्लस 5 नहीं लिखना तो ट्वाइस ऑफ रेडियस कर लो ठीक है तो भी आपका टेन सेंटीमीटर ही बनेगा ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन इन द फिगर एंगल ए पी बी नाइन्टी है तो एंगल ए पी बी जो है वो यहाँ पर नाइन्टी डिग्री है द लेंथ ऑफ ओ पी आपको निकालनी है ये वाली जो लेंथ है वो आपको निकालनी है क्लियर है अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरा एंगल जो है वो नाइन्टी डिग्री है है ना ये एंगल जो ए पी बी है वो इस नाइन्टी डिग्री ओके अगर ये जो ओ पी है ठीक है तो इस एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड करा है तो यानी कि ये 45 45 डिग्री का हो जाएगा ठीक है तो ये यानी कि कह सकते हो एंगल ए पी ओ जो है वो क्या है हमारा 45 डिग्री है ठीक है 45 डिग्री है और आप देख सकते हो ए ओ की जो ये है ये हमारा रेडियस है हमें किसकी वैल्यू निकालनी है हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ये वाला जो है ये ओ पी जो है वो इसकी वैल्यू निकालनी है ठीक है तो ये वाला एंगल कितना होगा ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा इतना तो पता है ना क्योंकि जो ये रेडियस है और ये क्या है टेंजेंट है एज हमें पता है कि ए पी जो है दिस इज़ परपेंडिकुलर टू ओ ए है ना ओ ए के परपेंडिकुलर है सिंस जो रेडियस है ठीक है दैट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ठीक है सो देयर फोर एंगल पी ए ओ जो है वो कितना होगा नाइन्टी डिग्री होगा ठीक है अब आप इस ट्राएंगल को अगर ध्यान से देखें तो ये एंगल फोर्टी फाइव है ठीक है ये एंगल फोर्टी फाइव है ये एंगल नाइनटी है और ये आपका क्या राइट एंगल ट्राएंगल बन गया ठीक है सो इन ट्राइंगल ए ओ पी ठीक है तो हम यहाँ पर हमें ये परपेंडिकुलर है ये हमारा हाइपरटूनस हमें जो निकालना है तो परपेंडिकुलर और हाइपरट्यूनस के बीच में रिलेशन किसका होता है साइन थीटा का होता है तो परपेंडिकुलर अपॉन ऑन परपेंडिकुलर क्या है आपका ओ ए है हाइपोटेनस क्या है आपका ओ पी है थीटा क्या है आपका फोर्टी फाइव डिग्री है साइन फोर्टी फाइव ओ ए क्या है आपका आर है ओ पी आपको निकालना है ठीक है तो साइन फोर्टी फाइव की वैल्यू कितनी होती है वन बाई अंडर रूट टू इज इक्वल्स टू आर अपॉन ओ पी ठीक है तो हम क्या करेंगे ओ पी इज इक्वल्स टू आर अंडर रूट टू ये हो गई वैल्यू ऑफ ओ पी यानी कि अंडर रूट टू आर ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट पे मूव करते हैं ट्राएंगल ए बी सी जो है दिस इज सिमिलर टू ट्राएंगल डी ई एफ ठीक है तो ट्राइंगल ए बी सी गिवन है ट्राइंगल डी ई एफ के सिमिलर गिवन है अगर सिमिलर है तो हम यहां से लिख सकते हैं कि ए बी बाई डीज इक्वल टू बी सी बाई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ है ना ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं तो कुछ डायमेंशंस हमें गिवन है और बोला गया है पेरीमीटर निकालिए ट्राइंगल ए बी सी का ठीक है अब एक बात तो ये है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का मतलब हो गया कि अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है तो साइड्स इज द पेरीमीटर यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है ना अब देखते हैं जो डायमेंशन हमें गिवन है वहाँ से हम क्या ले सकते हैं ए बी की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है ठीक है ये रहने देते हैं डी ई e की वैल्यू थ्री गिवन है बी सी की वैल्यू फोर गिवन है ई e, एफ़ की वैल्यू टू गिवन है ए सी की वैल्यू आपको नहीं गिवन है डी एफ की वैल्यू आपको टू पॉइंट फाइव गिवन है तो पहले दो को यूज़ करके क्या हम ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करिए सो ए बी इज इक्वल्स टू फोर इन टू थ्री ट्वेल्व सो ए बी की वैल्यू आ गई सिक्स ठीक है सो ए बी की वैल्यू आ गई सिक्स सेंटीमीटर ओके अब क्या हम लास्ट वाले टू को यूज़ करके ठीक है लास्ट वाले टू को यूज़ करके क्या कर सकते हैं लास्ट वाले टू को यूज़ करके हम ए सी की वैल्यू निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो टू इंटू ए सी फोर इंटू टू पॉइंट फाइव ठीक है इसका पॉइंट हटा लीजिए ठीक है सो so, इसको फाइव के टेबल पे फाइव फाइव ज़ ट्वेंटी फाइव फाइव टू ज़ा टू टू ज़ा फोर टू ए सी इज़ इक्वल्स टू टू इंटू फाइव टू से टू कैंसिल हो गया तो ए सी आ गया फाइव सेंटीमीटर ठीक है अब हमारे पास ए बी की वैल्यू है हमारे पास ए सी की वैल्यू है और हमारे पास किसकी वैल्यू चाहिए थी हमारी बी सी की वैल्यू चाहिए थी बी सी की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है ठीक है तो तीनों को प्लस कर दो ए बी की वैल्यू है सिक्स बी सी की वैल्यू है फोर सी ए की वैल्यू है फाइव सिक्स प्लस फोर टेन प्लस फाइव फिफ्टीन सो दिस इज द पैरीमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ओके जी बेस्ड ऑन द चैप्टर नंबर सिक्स दैट इज ट्राइंगल्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन पे चलते हैं द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ व्हीकल फ्रॉम वन ट्वेंटी फाइव मीटर हाई टावर ठीक है तो आपका एक हाई टावर है तो दैट इज वन ट्वेंटी फाइव मीटर एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है ठीक है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है इस तरह से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 45 डिग्री गिवन है ठीक है फ्रॉम द हाई टावर ठीक है व्हीकल का तो ये व्हीकल मान लेते हैं इसको ठीक है और ये टावर से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दैट इज़ 45 डिग्री हाउ फार इज़ द व्हीकल फ्रॉम द टावर तो आपको बेसिकली ये निकालना है कि ये जो टा वहीकल है वो टावर से कितना दूर है नेट मान लेते कि ए बी टावर है और ये जो व्हीकल है वो सी पॉइंट पे खड़ा है ठीक है तो ये अगर 45 है तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री होगा और ये क्या है 90 डिग्री होगा ठीक है मुझे निकालना क्या है मुझे निकालना है ए क्योंकि मुझे निकालना है कि कितना दूर है ये टावर से व्हीकल जो है ठीक है सो so, मेरे पास परपेंडिकुलर है मुझे बेस निकालना है और एंगल मुझे पता है परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन कैसे होता है ट्रिग्नोमेट्री यूज करो दैट इज स्टैंड थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर पेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी और बेस क्या है आपका ए सी तो आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में ए सी निकालना है ठीक है तो एंगल क्या है आपका 45 तो टैन 45 फाइव इज ऐ बी की वैल्यू वन ट्वेंटी फाइव बाई ए सी टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू टू में वन होती है इज इक्वल टू वन ट्वेंटी फाइव बाई ए सी ठीक है सो ए सी आ गया वन ट्वेंटी फाइव मीटर मतलब वो वन ट्वेंटी फाइव मीटर ही दूर है व्हीकल जो है वो टावर से यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी पे चलते हैं इफ़ को सिक्ड ए माइनस कॉट ए थर्टीन के इक्वल है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ को प्लस कॉट ए ठीक है तो हम इसमें आइडेंटिटी का यूज करेंगे ठीक है तो हमें एक आइडेंटिटी अच्छे से पता होती है कोसिकेंट और कॉट के बीच में है। पता है सबको स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए अगर मैं कॉट को इधर ले आऊँ ठीक है तो ये हो जाएगी कोसिकेंड स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन अब इसको अगर ध्यान से देखो तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ को a ए प्लस कॉटे और साथ में कोसिकेंट ए माइनस a लिख सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने स्प्लिट कर दिया ए प्लस बी और ए माइनस बी में ठीक है मुझे किसकी वैल्यू चाहिए कोसिकेंट ए प्लस a की वैल्यू मुझे चाहिए और इसकी वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन है दैट इज थर्टीन इज इक्वल टू वन इस थर्टीन को उधर ले जाओ ठीक है सो so ये बन गई वैल्यू को सीकेंट ए प्लस ए की यानी कि वन बाई थर्टीन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर थर्टी वन इफ़ ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट सी तो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया राइट right एंगल बना दिया सी पे तो ये ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल बन गया वैल्यू पूछी है कॉज ऑफ ए प्लस बी की ठीक है तो हमें अच्छे से पता है कि एंगल ए एंगल बी और एंगल सी की जो टोटल वैल्यू है वो कितनी होती है 180 हंड्रेड एट्टी डिग्री सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू तो वन हंड्रेड डिग्री है ना अब यहाँ पर अच्छे से पता है कि सी की वैल्यू जो है ठीक है मेजरमेंट जो है वो कितनी है हमारी 90 डिग्री है क्योंकि सी राइट एंगल है ठीक है सो एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री दोनों की ऐड करके वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री होगी हमें पूछा गया है कॉज ऑफ ए प्लस बी ठीक है तो कॉज ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी यानी कि कॉज ऑफ 90 डिग्री सो कॉज ऑफ 90 क्या होता है जीरो होता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी टू अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ सर्कल ऑफ़ रेडियस 21 वन सेंटीमीटर ठीक है एक वायर है वो सर्कल की शेप में है जिसका जो रेडियस है दिस इज 21 वन सेंटीमीटर ठीक है वायर है सर्कल की शेप में इट इज़ बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर ठीक है तो सर्कल को चेंज कर दिया गया स्क्वायर के स्क्वायर में ठीक है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर ठीक है तो हमें बेसिकली साइड ऑफ द स्क्वायर जो है वो निकालनी है ठीक है अब हमें अच्छे से पता है जब इस तरह से हो तो दोनों का जो पेरीमीटर है वो क्या बराबर होता है ठीक है तो हम यहाँ से लिखेंगे कि सर्कम फ्रेंस या पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल ठीक है सर्कम फ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ है ना यही होगा सर्कम फ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है टू पाई आर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है फोर मल्टीप्लाई बाय साइड ठीक है सो वैल्यूज पुट करो जो भी हमारे पास है टू इंटू ट्वेंटी टू बाई सेवन पाई की वैल्यू पुट कर दी ट्वेंटी वन रेडियस केवन है फोर इंटू साइड ऑफ द स्क्वायर ठीक है सेवन वन 7 थ्री ज़ा ठीक है इस फोर को भी इधर ले आते हैं टू इंटू ट्वेंटी टू इंटू थ्री डिवाइडेड बाई फोर ठीक है इज इक्वल टू साइड टू वन जा टू 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 ज़ा फोर टू इलेवन ज़ा तो ये हो गया थर्टी थ्री सेंटीमीटर साइड ऑफ द स्क्वायर ठीक है तो साइड ऑफ द स्क्वायर आ गया 33 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्लियर नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टिपिकल है ध्यान से समझिएगा इफ द एरियाज ऑफ थ्री एडजस्टेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली तो तीन एडजस्टेंट फेसेस कौन से हैं पहले क्यूबॉइड के अंदर पहले वो देखो ठीक है तो मैंने यहाँ पर सारे मार्क किए हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर से ताकि आपको समझने में आसानी हो तो ये हमारा क्यूबॉइड है तो सबसे पहले ये ग्रीन वाला पोर्शन जिसमें लेंथ है और क्या है ब्रेथ है तो इसका पहले का एरिया गिवन है हमें एक्स ठीक है तो एक्स क्या है यहाँ पर लेंथ इन टू ब्रेथ एरिया तो यही होते हैं ना तो एक्स क्या है लेंथ इन टू ब्रेथ दूसरा एडजोसेंट फेस है ये वाला येलो वाला ठीक है जिसमें ब्रेथ है और हाइट है ये हमारी ब्रेड है और ये हमारी हाइट है ठीक है तो इसका एरिया हमें गिवन है वाई दैट इज ब्रेड इन टू हाइट ठीक है यही होता है और तीसरा जो है ये ब्लू कलर से मार्क्ड है ये आपको बॉक्स सामने दिख रहा होगा ठीक है जिसमें लेंथ है और हाइट है इसका एरिया जो है वो z है दैट इज लेंथ इंटू हाइट ठीक है पहली बात तो ये हो गया हमें इसका वॉल्यूम बताना है ठीक है सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड दैट इज लेंथ इन टू ब्रेथ इन टू हाइट है ना यही होता है वॉल्यूम ऑफ द जो कि बॉइड है ठीक है अब एक्स वाई जेड को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ ठीक है एक्स वाई जेड को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ ये एक्स है ये वाई है और ये क्या है जेड है ठीक है एक्स वाई जेड को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा एल बी इंटू बी एच इन एच एल है ना विच इज़ इक्वल्स टू एल का स्क्वायर बी का स्क्वायर एंड एच का स्क्वायर या फिर हम बोल सकते हैं एल बी एच का होल स्क्वायर ठीक है दैट इज इक्वल टू एक्स वाई जेड मुझे किसकी वैल्यू चाहिए मुझे एल बी एच की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगी इसका अंडर रूट कर दूंगी तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स वाई जेड तो ये किसके बराबर है वॉल्यूम सो वॉल्यूम क्या हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स वाई जेड यानि कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर अ बैग कंटेन फाइव रेड एट ग्रीन एंड सेवन वाइट बॉल्स तो कौन कौन सी बॉल्स है पहले देख लेते हैं फाइव रेड है एट ग्रीन है एंड सेवन वाइट बॉल्स हैं ठीक है तो टोटल बॉल्स गिन लेते हैं पहले दैट इज इक्वल्स टू फाइव प्लस एट प्लस सेवन थर्टीन प्लस सेवन कितने हो गए ट्वेंटी ठीक है तो टोटल बॉल्स हैं ट्वेंटी वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर अ ग्रीन बॉल नॉर अ रेड बॉल ठीक है ना तो ग्रीन आए ठीक है ना ग्रीन आए ना रेड आए तो कौन सी आ, आएगी वाइट ही आएगी ना फिर ठीक है तो ना तो ग्रीन आए ना uh, हमारी रेड आए तो सेवन हमारी क्या है वाइट बॉल्स हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल उसने डायरेक्टली नहीं पूछा तो इस तरह से पूछ लिया है कि ना तो ग्रीन बॉल आए ना रेड बॉल आए अगर दोनों नहीं आएंगी तो वाइट बॉल ही आएगी तो वाइट बॉल्स कितनी है सेवन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यानी कि ऑप्शन नंबर सी सेवन बाई ट्वेंटी इज द आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है एंड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना चाहिए इसके लिए द वैल्यू ऑफ साइन थर्टी कॉस सिक्सटी साइन सिक्सटी कॉस थर्टी ठीक है तो साइन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है वन बाई टू कॉस सिक्सटी की वैल्यू भी वन बाई टू होती है साइन सिक्सटी की वैल्यू रोट थ्री बाई टू और कॉस थर्टी की वैल्यू भी रोट थ्री बाई टू ही होती है ठीक है सो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको अच्छे से याद है तो ये जो आंसर है वो फटाफट से आपके निकल जाएंगे अंडर रूट थ्री इन थ्री थ्री हो गया बाय फोर वन प्लस थ्री फोर बाय फोर दैट इज इक्वल टू वन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स पे चलते हैं द आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर रिंग आर थर्टी फोर एंड थर्टी टू सेंटीमीटर सो आउटर डायमीटर को हम मान लेते हैं कि लेट आउटर डायमीटर जो है ठीक है उसको हम कैपिटल डी से सपोज़ कर लेते हैं सो कैपिटल डी जो है वो थर्टी फोर सेंटीमीटर है ठीक है सो आउटर रेडियस अगर हमें यहाँ से निकालना हो ठीक है तो वो कितना हो जाएगा कैपिटल आर दैट इज़ थर्टी फोर बाई टू सेवेंटीन सेंटीमीटर ठीक है सो लेट मान लेते हैं कि जो इनर डायामीटर है ठीक है इसको हम स्मॉल डी से डिनोट कर लेते हैं थर्टी टू सेंटीमीटर अगर हमें इनर रेडियस निकालना हो ठीक है तो इनर रेडियस कितना आ जाएगा थर्टी टू बाई टू दैट इज़ सिक्सटीन सेंटीमीटर ओके तो हमें निकालना है यहाँ पर एरिया ऑफ द रिंग ठीक है तो एरिया ऑफ द रिंग क्या आ जाएगा पाई इन आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर ठीक है ना आउटर वाले का एरिया माइनस इनर वाले का एरिया दैट इज इक्वल टू पाई इन टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ठीक है आर जो है वो आउटर रेडियस है कैपिटल आर जो है वो जो स्मॉल आर है वो इनर रेडियस है ठीक है तो 17 का स्क्वायर माइनस सिक्सटीन का स्क्वायर ठीक है सो so 17 का स्क्वायर होता है 289 ठीक है और जो 16 का स्क्वायर होता है वो हमारा होता है 256 हंड्रेड एंड सो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 33 ठीक है इन पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है सो थर्टी थ्री पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन द डिग्री ऑफ़ द पोलिनॉमल तो डिग्री ऑफ द पोलिनॉमल हमें बताना है यहाँ पर तो हमें अच्छे से पता है कि डिग्री क्या होती है हाइएस्ट पावर ऑफ़ द वेरिएबल तो वेरिएबल यहाँ पर क्या है एक्स है तो हाइएस्ट पावर क्या है उसकी फाइव है ठीक है तो डिग्री ऑफ़ द पोलिनल इज फाइव ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर थर्टी एट अगर साइन ए की वैल्यू वन बाई टू है कॉस बी की वैल्यू वन है तो हमें वैल्यू बतानी है कॉट ए प्लस बी की ठीक है तो साइन ए की वैल्यू वन बाई टू गिवन है और कॉज बी की वैल्यू वन गिवन है ठीक है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से देखो कौन से साइन की जो वैल्यू है वो वन बाई टू होती है साइन थर्टी की वैल्यू वन बाई टू होती है तो वन बाई टू की जगह पर मैं साइन थर्टी लिख सकती हूँ बिल्कुल लिख सकती हूँ सो ए की वैल्यू आ गई यहाँ पर थर्टी डिग्री ठीक है अब कॉज की वैल्यू देखो वन कब होती है तो कॉज जो है वो ज़ीरो की वैल्यू जो है वो वन होती है तो बी की वैल्यू यहाँ से आ गई जीरो ठीक है सो so हमें क्या निकालना है कॉट ऑफ ए प्लस बी तो कोट ऑफ थर्टी प्लस ज़ीरो ठीक है तो थर्टी प्लस जीरो मतलब थर्टी हो गया सो कॉट थर्टी की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट थ्री होती है ठीक है सो देअर फोर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ओके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन पे अगर आर थ्री जो है दैट इज अ रूट ऑफ द क्वाडराटिक इक्वेशन द वैल्यू ऑफ के ठीक है तो क्वाडराटिक इक्वेशन लिख लेते हैं पहले ठीक है और आर जो है वो इसका रूट है आर इज इक्वल टू थ्री जो है वो इसका रूट है रूट है तो मतलब इसकी वैल्यू को uh, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा तो आर की जगह पे हम थ्री डाल देते हैं ठीक है तो ये हमने यहाँ पर जहाँ जहाँ आर था वहाँ वहाँ थ्री डाल दिया सो दिस इज नाइन के थ्री के माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो सिक्स के हो गया ये वाला थ्री उधर ले गई मैं ठीक है सो थ्री बाई सिक्स डैट इज वन बाई टू सो वैल्यू ऑफ के इज वन बाई टू ऑप्शन नंबर बी ओके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी पे ये भी डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमल है बट यहाँ पर देखो ये सॉर्टेड नहीं है ठीक है पहला वाला जो क्वेश्चन हमने डिग्री वाला किया उसमें वो सिंपल था तो ये एक्स प्लस वन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर फोर माइनस वन तो आप देखते ही नहीं बोल दोगे कि इसकी जो पॉलिनॉमल uh, की डिग्री है दैट इज़ फोर क्योंकि एक्स की पावर फोर है आप पहले इसको सॉर्ट करेंगे ठीक है सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद बताएंगे इसकी डिग्री क्या है ठीक है तो क्योंकि ऑप्शन में उन्होंने फ़ोर भी दे रखा है तो बच्चे बिना सोचे समझे यहाँ पर फोर टिक कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा ठीक है तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे सिंप्लीफाई करने का मतलब है पहले हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स रेस टू पावर फोर माइनस वन तो पहले x के साथ मल्टीप्लाई फिर x के वन के साथ ठीक है सो so ये हो जाएगा x की पावर x क्यूब हो गया x का स्क्वायर हो गया x की पावर फाइव बन गई माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायेर माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर फोर माइनस वन ठीक है तो अब जो कुछ टर्म्स अगर कोई कैंसिल हो रही है तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर क्या है एक्स रेस टू पावर फाइव सबसे पहले आएगा फिर आएगा हमारे पास x रेस टू पावर फोर ठीक है और x रेस टू पावर थ्री ठीक है फिर आ जाएगा x रेस टू पावर टू तो ये जो है वो x रेस टू पावर टू तो कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि ये प्लस और माइनस में है ये रह गया हमारे पास माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस टू एक्स और साथ में वन ठीक है तो x की सबसे बड़ी पावर कौन सी है यहाँ पर फाइव तो ये हो गई इसकी डिग्री ओके जी राइट तो ये बनेगा हमारा पोलिनोम राइट right? और ये इसकी डिग्री ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41 वन टू साइन टू थीटा की वैल्यू अगर रूट थ्री गिवन है तो हमें वैल्यू बतानी है थीटा की ठीक है तो यहाँ पर हमें गिवन है कि टू साइन टू थीटा जो है वो रूट थ्री के इक्वल है ठीक है तो यहाँ से ये वाला जो टू है वो मैं इधर ले जाती हूँ रूट थ्री बाई टू हो जाएगा अब आप देखो कि साइन की कौन सी वैल्यू जो है वो रूट थ्री बाई टू होती है तो क्या मैं इसमें साइन 60 डिग्री लिख सकती हूँ इसकी जगह पे बिल्कुल लिख सकती हूँ क्योंकि साइन 60 की वैल्यू रूट थ्री बाई टू होती है कंपैरिजन करने पे टू थीटा इज इक्वल्स टू सिक्सटी डिग्री हो गया सो थीटा क्या आ गया थर्टी डिग्री आ गया वेरी सिंपल क्वेश्चन ठीक है बट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर इज ऑप्शन नंबर ओके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू पे राइट द एक्सपोनेंट ऑफ थ्री इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ वन नाइन फोर फोर तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं वन नाइन फोर फोर की टू के टेबल पे जाएगा टू नाइन ज़ा एटीन ठीक है वन बचा सेवन और टू ठीक है फिर से टू पे चला जाएगा टू फोर ज़ा एट ठीक है सेवनटीन ऐट ज़ा सिक्सटीन सिक्स टू फिर से टू पे चला जाएगा टू फोर थ्री ठीक है अब ये नहीं जाएगा थ्री पे जाएगा एटी वन ठीक है थ्री पे चला जाएगा फिर से ट्वेंटी सेवन देन थ्री पे चला जाएगा नाइन थ्री पे चला जाएगा थ्री थ्री एंड वन ठीक है सो वन नाइन फोर फोर को मैंने ब्रेक किया टू की कितनी पावर है थ्री पावर है ठीक है और थ्री की कितनी पावर है फाइव पावर है ठीक है सो वॉट इज द एक्सपोनेंट ऑफ थ्री एक्सपोनेंट ऑफ थ्री मतलब उसकी पावर थ्री की कितनी पावर है फाइव ठीक है तो ये आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ओके पावर ऑफ थ्री इज़ फाइव या एक्सपोनेंट ऑफ थ्री इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ वन नाइन डबल फोर इज फाइव ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री पे वेन प्लेस्ड अलोंग अ वॉल ठीक है तो एक वॉल बना लेते हैं पहले वेन प्लेस्ड अलोंग अ वॉल अ लेडर ठीक है तो ये हमारी क्या है वॉल है ठीक है ये लेडर यहाँ पर प्लेस्ड है ठीक है समझ आ गया क्वेश्चन फॉर्म्स सिक्सटी डिग्री एंगल विद द ग्राउंड ठीक है तो ये ग्राउंड है ठीक है और ये 60 डिग्री एंगल बना रही है विद द ग्राउंड इफ द लैडर फुट इज 10 मीटर्स फ्रॉम द वॉल तो लैडर का जो फुट है ये लैडर का फुट है ये 10 मीटर दूर है वॉल से ठीक है लेट मान लेते हैं ए बी जो हमारी वॉल है और बी सी हमारी लैडर है द लेंथ ऑफ द लैडर तो हमें क्या निकालना है लेंथ ऑफ द लैडर तो हम लगाएंगे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट हमें लेंथ ऑफ लैडर चाहिए यानी कि हमारा बी चाहिए ठीक है तो हमें हाइपरट्यूनस और बेस के बीच में रिलेशन देखना है एंगल कितना है सिक्सटी डिग्री है तो हम कॉस थीटा लगाएंगे इज इक्वल्स टू बेस दैट इज ए सी अपॉन हाइपर दैट इज बी ठीक है सो so, कॉज सिक्सटी डिग्री इज इक्वल्स टू ए कितना है टेन अपॉन बी हमें निकालना है तो कॉ सिक्सटी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है कॉ सिक्सटी की वैल्यू हमारे पास होती है वन बाई टू ठीक है टेन अपॉन बी सी सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो बी सी इज़ इक्वल टू ट्वेंटी ठीक है मीटर दैट इज़ लेंथ ऑफ लेडर कितनी है ट्वेंटी मीटर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है ओके okay? नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस तो ये लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है ठीक है तो के एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू के माइनस टू और 12 एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू के और इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं है ठीक है तो सबसे पहला हमें काम क्या करना होता है कि हमें राइट हैंड साइड पे जीरो बनाना होता है तो ये मैंने ये जो k माइनस टू था वो इधर ले आई ब्रैकेट यूज़ करनी है क्योंकि दो चीज़ें हैं ठीक है ऐसे यहाँ पर भी कर लेते हैं माइनस के इज़ इक्वल टू ज़ीरो ठीक है अब यहाँ से a1, b1 और c1 की वैल्यू निकाल लेते हैं सो so a1 वन इज़ के बी वन इज़ माइनस थ्री सी वन इज़ माइनस ऑफ के माइनस टू साइन साथ साथ चलेंगे ए टू की वैल्यू यहाँ पर ट्वेल्व है बी टू की वैल्यू के है और सी टू की वैल्यू माइनस के है और नो no सोल्यूशन के केस में क्या होता है पैल लाइन्स होती हैं सो ए वन इज इक्वल टू ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन सी टू सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं ठीक है सो के बाय ट्वेल्व माइनस थ्री बाय के ठीक है इज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ के माइनस टू अपॉन माइनस के ठीक है तो आप क्या सकते कर सकते हैं फर्स्ट टू को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए सो के स्क्वेर इज इक्वल टू माइनस थर्टी सिक्स अब आप जब इसका रूट करेंगे माइनस ऑफ थर्टी सिक्स ठीक है तो वो तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा सो so, के की जो ये वाली वैल्यू है वो पॉसिबल नहीं है ठीक है तो आप इस तरह से लिख देंगे के विच इज़ नॉट पॉसिबल ठीक है ना ये के की वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं है ठीक है तो अब ये पॉसिबल नहीं है तो हमें यहाँ से कुछ तो निकालने पड़ेगी ना के की वैल्यू कुछ तो निकालनी पड़ेगी ठीक है अदरवाइज हम आंसर नन ऑफ दीज दे देंगे ठीक है ना बट फिलहाल पहले निकालना पड़ेगा तो कैसे करेंगे आप क्या करेंगे सेकेंड uh, और हम थर्ड वाले को सॉल्व करेंगे सो so मैं यहाँ लिख रही हूँ माइनस थ्री अपॉन के इज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ के माइनस टू अपॉन माइनस के माइनस माइनस कैंसिल माइनस अपॉन के इज नॉट इक्वल टू के माइनस अपॉन के आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए माइनस थ्री के इज नॉट इक्वल टू के इन टू के माइनस टू ठीक है ये के और ये वाला के कैंसिल हो जाएगा माइनस थ्री इज नॉट इक्वल टू के माइनस टू ये जो हो जाएगा टू इधर आ जाएगा ठीक है तो k की वैल्यू जो है वो माइनस वन नहीं है ठीक है बट यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं है तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी बट ये निकालने के बाद ही आपने नन ऑफ दीज जो है वो आप यहाँ पर बताना है ठीक है जी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर पे हाउ मल्टीपल्स ऑफ लाई बिटवीन द टेन एंड टू हंड्रेड फाइव ठीक है तो द दिन और टू हंड्रेड फाइव के बीच में फोर के कितने मल्टीपल्स हैं तो फोर के मल्टीपल्स यानी कि फोर से डिवाइड होने वाले और बिटवीन टेन और टू हंड्रेड फाइव के लिखने हैं तो टेन के बाद नंबर आता है इलेवन इलेवन इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ फोर ट्वेल्व इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ फोर आफ्टर टेन ठीक है सो so, uh, टेल्व पहला नंबर आएगा दूसरा नंबर सिक्सटीन आएगा और लास्ट नंबर क्या आएगा टू हंड्रेड फोर आएगा क्योंकि टू हंड्रेड फाइव जो है वो नहीं जाता और वैसे भी बिटवीन ही लेने हैं ठीक है जी राइट सो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है आपकी ट्वेल्व है ठीक है एल क्या है यानी कि लास्ट टर्म टू हंड्रेड फोर है या आप कह सकते हो एनथ टर्म डी क्या है आपका सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व दैट इज फोर ठीक है अब आपको क्या निकालनी है यहाँ पर आपको एन नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है ठीक है ना क्योंकि कितने मल्टीपल्स हैं वो निकालना है सो एन टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी सो एन टर्म क्या है आपकी टू हंड्रेड फोर ट्वेल्व प्लस एन माइनस वन इंटू फोर ठीक है सो टू हंड्रेड फोर और ये इधर आ जाएगा ट्वेल्व एन माइनस वन इंटू फोर सो माइनस करेंगे ये आ जाएगा 192 इज इक्वल टू एन माइनस वन फोर ये फोर इससे डिवाइड हो जाएगा फोर इससे डिवाइड कर देंगे हम सो फोर फोर ज़ा सिक्सटीन थ्री बैलेंस रह गया थर्टी टू फोर एट ज़ा थर्टी टू ठीक है सो फोर्टी एट इज इक्वल्स टू ठीक है एन माइनस वन तो ये प्लस वन हो जाएगा सो so, एन आ गया 49 सो so, 49 इज ऑप्शन नंबर ए ठीक है 49 नाइन मल्टीपल्स हैं फोर लाई बिटवीन 10 एंड 205 ठीक है नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमल तो ये आपको पॉलिनोमल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एम इन एम प्लस ठीक है ये आपका पॉलिनॉमल है ठीक है अब यहाँ पर जीरोज़ इसके निकालने के लिए आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज कर सकते हो फैक्टराइजेशन मेथड uh, मतलब यूज कर सकते हो या फिर डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज कर सकते हो सबसे बेस्ट मेथड है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है तो आप कोई भी ऑप्शन पुट कर कर देख लीजिए ठीक है अगर वो इस पोलिनॉमल को सेटिस्फाई करता है ठीक है और तो क्या होगा वो उसका आंसर है बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं आप चारों में दो दो जीरोस गिवन है तो अगर सारी पुट करके देखेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा तो इसका एक ट्रिक है एक ट्रिक ये है कि जो इसके साथ थोड़ा थोड़ा सिमिलर लग रहा है आप देखो कि इस पॉलोमल का ध्यान से देखो तो यहाँ पर इसमें एम है और एम प्लस थ्री है तो ये कुछ कुछ ऑप्शन नंबर डी के साथ बहुत मैच कर रहा है तो हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी ही पुट कर लेते हैं ठीक है ठी तो सबसे पहला ज़ीरो है माइनस एम तो माइनस एम मैंने अगर पुट करा तो माइन एक्स की जगह पर माइनस एम पुट करना है अगर इसको पुट करने पे ठीक है ये क्या हो जाएगा ज़ीरो बन जाएगा इज इक्वल टू तो जीरो आ जाएगा तो मतलब ये वाला जो ज़ीरो है इस पोलिनल को सेटिस्फाई कर रहा है ठीक है सो दिस इज एम स्क्वायर प्लस थ्री एम बन गया माइनस एम स्क्वायर माइनस थ्री एम तो देखो टर्म सारी कैंसल होगी जीरो आ गया तो मतलब इसको पुट करने पे आ, के बाद ये um, पॉलिनॉमल जो है वो जीरो बन रहा है सो देयर फोर इट इज सेटिस्फाइंग दिस है ना दूसरा जीरो है एम प्लस थ्री पूरी सेटिस्फेक्शन करनी है ना तो इस पॉलिनॉमल में एम प्लस थ्री पुट करिए तो मेरा पॉलिनॉमल क्या था एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एम इंटू एम प्लस थ्री अब आप एम प्लस थ्री पुट करिए एक्स की जगह पर ठीक है थ्री इन टू एम प्लस थ्री माइनस एम स्क्वायर माइनस थ्री एम ठीक है ओपन द ब्रैकेट्स एम स्क्वायेयर प्लस नाइन माइनस सिक्स एम माइनस थ्री एम माइनस नाइन माइनस एम स्क्वायेर माइनस थ्री एम ठीक है एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल ठीक है और नाइन से नाइन कैंसिल। ये देखो यहाँ पर सिक्स एम प्लस का है और ये माइनस का सिक्स एम बन जाएगा सो so, ये सारे कैंसिल हो गए तो जीरो बन जाएगा सो देअर फोर ये एम प्लस थ्री भी इसको सेटिसफाई कराए यानी कि यही इसकी दो जीरोस है ठीक है ना तो इस ट्रिक से आप जल्दी से आंसर को निकाल पाएंगे ओके जी नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे इन द फिगर एंगल ए डी सी नाइनटी डिग्री है बीसी थर्टी एट है और बीपी ट्वेंटी फाइव है तो पहले मार्क कर लेते हैं क्या क्या गिवन है तो एडीसी मार्क्ड है ऑलरेडी एडीसी नाइन्टी डिग्री है ठीक है तो यहाँ पर बी सी जो है वो थर्टी एट सेंटीमीटर है तो ये पूरा जो बी सी है दिस इज थर्टी एट सेंटीमीटर सी डी जो है वो आपका ट्वेंटी एट सेंटीमीटर है ठीक है ये पूरा सी और जो बी है ठीक है ये वाला इतना पोर्शन ये ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर है है ना आपको फाइंड आउट क्या करना है रेडियस ऑफ द सर्कल तो आपको सर्कल दिख रहा है इस क्वारिलेटर के अंदर ए बी सी डी के तो मार्क कर लेते हैं दिस इज ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और ज्वाइन कर लेते हैं ओ आर को और ओ एस को ठीक है तो ये क्या बन जाएंगे इसके रेडियसिस बन जाएंगे है ना तो हमने क्या किया बेसिकली तो ज्वाइन सबसे पहले किया ओ आर को और ओ एस को ठीक है तो ये जो ओ आर और ओ एस है वो हमारे क्या है रेडियस है ठीक है अब यहाँ पर ये जो ओ आर ए डी एस है वो हमारा क्या बन गया ओ आर डी एस जो है वो हमारा एक स्क्वायर शेप का बन गया है और स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं सो डी आर भी आर हो जाएगा डी एस भी आर हो जाएगा ठीक है सो एज ओ आर डी एस इज अ स्क्र ठीक है सो ओ आर इज इक्वल्स टू ओ एस इज इक्वल टू डी एस इज इक्वल्स टू आर डी इज इक्वल्स टू आर है ना ये सारा जो हो गया आर हो गया बट हमें आर की वैल्यू ही तो निकालनी है यानी कि रेडियस की वैल्यू तो वो कैसे निकालेंगे अब आपको दिख रहा है कि ये जो सी डी है वो पूरा ट्वेंटी एट है ठीक है तो सी डी जो है वो ट्वेंटी एट सेंटीमीटर है वो हमें गिवन है ऑलरेडी तो ये पूरा ट्वेंटी एट है तो इतना पोर्शन अगर आ रहा है तो ये सी आर निकल सकता है बिल्कुल निकल सकता है तो सी आर क्या हो जाएगा ट्वेंटी एट माइनस आर हो जाएगा ठीक है तो ये जो हिस्सा हो गया दैट इज ट्वेंटी एट माइनस आर अब आपको ये दिख रहा है कि सी जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल का ठीक है तो हमें पता है कि सी जो है दिस इज एक्सटर्नल पॉइंट ठीक है टू द सर्कल अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजन ड्रॉ करी जाए तो वो बराबर होती है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सी क्यू इज इक्वल टू सी आर रीजन क्या लिखकर आएंगे टेंजन ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल ठीक है सो सी क्यू जो है वो सी आर के इक्वल हो गया ठीक है देअोर्स सी क्यू की वैल्यू भी कितनी हो गई ट्वेंटी एट माइनस आर होगी ठीक है ये ट्वेंटी एट माइनस आर होगी अब सी बी जो है वो पूरा थर्टी एट गिवन है सी बी जो है वो थर्टी एट सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है ठीक है तो हम बी क्यू निकाल सकते हैं इसमें से बिल्कुल निकाल सकते हैं बी क्यू कितना आ जाएगा थर्टी एट में से ट्वेंटी एट माइनस आर हम माइनस कर देंगे सो थर्टी एट माइनस ट्वेंटी एट प्लस आर हो गया ये हो गया टेन प्लस आर तो ये आ गई बी क्यू की वैल्यू ठीक है ना सो so ये आ गया टेन प्लस आर ओके अब हमें दिख रहा है कि बी जो है दिस इज ऑल्सो एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल ठीक है एक्सटर्नल पॉइंट ठीक है सो देअर फोर बी क्यू जो है वो भी बी पी के इक्वल है है ना ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल सो टेन प्लस आर यानी कि बी पी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी टेन प्लस आर ठीक है टेन प्लस आर हो गई बीपी की वैल्यू पर बीपी की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में भी गिवन थी तो बीपी की वैल्यू जो है वो टेन प्लस आर को इक्वेट कर दो ट्वेंटी फाइव के ठीक है सो आर आ गया आपका 15 सेंटीमीटर सो रेडियस आ गया आपका 15 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है जी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे इन द फिगर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई एंड ये चीज गिवन है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई सी देन ट्राएंगल ए बी ए सी तो आपने बताना है कि बी ए सी जो है वो किस तरह का ट्राइंगल है ठीक है तो हम क्या करेंगे हमें जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं सो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई ये एक चीज़ हमें गिवन है ठीक है अगर एंगल डी जो है वो ई e के गिवन है डी के ऑपोजिट साइड कौन सी है ए ई e, और ई e के ऑपोजिट साइड कौन सी है ए डी है ना सो so, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए डी जो है वो ए ई e के इक्वल है ठीक है रीजन क्या लिखेंगे साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल ठीक है नाइन्थ क्लास में ये थ्योरम्स हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं ठीक है और दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी है ना ये हमें ऑलरेडी गिवन है अगर ए डी जो है वो ए ई के ऑलरेडी इक्वल है तो ये डिनोमिनेटर में इफ डी बी और ई सी जो है वो भी इक्वल हो जाएंगे ठीक है ना सो डी बी जो है वो भी क्या हो गए ई सी के इक्वल हो गए अब यहाँ पर DB EC के इक्वल है, ये सेकेंड इक्वेशन मार्क कर लो और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लो, दोनों को ऐड कर दो, सो so एडिंग one एंड two, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ, so AD plus DB is equals to AE plus EC, तो AD plus DB क्या बन जाएगा? AB बन जाएगा. और ये क्या बन जाएगा ए सी बन जाएगा सो so, ये पूरी साइड ए, ए, ए बी जो है वो ए सी साइड के इक्वल है तो ऐसा कब होता है जब ट्राइंगल कौन सा होता है आइसोसलस होता है यानी कि आइसोसलस ट्राइंगल में हमारी दो साइड्स इक्वल होती हैं सनी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन पे चलते हैं इफ अ लाइन सेगमेंट ए बी ठीक है एक लाइन सेगमेंट है आपकी ए बी और उसकी लेंथ जो है वो सिक्स सेंटीमीटर है और डिवाइडेड इंटरनली बाय द पॉइंट सी तो पॉइंट सी ने इसे डिवाइड कर रखा है और किस रेशो में डिवाइड कर रखा है दैट इज़ थ्री रेशो टू तो ए सी की जो लेंथ है वो क्या होगी ठीक है आपको निकालनी है कि इसकी ए की जो लेंथ है वो क्या होने वाली है ठीक है तो आप कैसे करेंगे सो थ्री रेशियो टू में डिवाइडेड है सो so, इसका तीसरा हिस्सा है और सी का जो है वो दूसरा हिस्सा है तो आपको ए की लेंथ निकालनी है तो आप कैसे करेंगे लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू तीसरा हिस्सा है ए का तो डिवाइडेड बाई टोटल थ्री प्लस टू टोटल रेशियो कितनी है थ्री प्लस टू मल्टीप्लाई बाई सिक्स ठीक है सो दिस इज़ थ्री बाई फाइव इंटू सिक्स एटीन बाई फाइव यानि कि हो जाएगा थ्री पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर और बाकी जितना बचेगा वो हमारा बी सी का हिस्सा होगा है ना तो दिस इज थ्री पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर डी ओके सो वी आर गोइंग टू मूव टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टी लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज वीडियो क्लास मार्क ऑफ द क्लास फोर्टी फाइव टू सिक्सटी ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करवा रखा है तो क्लास मार्क में क्या करना है ठीक है इसको जस्ट प्लस करना है अपर क्लास इंटरवल लोअर क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय टू ठीक है सो so, ये आ जाएगा आपका 105 डिवाइडेड बाय टू दैट इज इक्वल्स टू 52.5 ओके सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ओके सो आई होप द क्वेश्चंस आर क्लियर ठीक है एंड इट विल हेल्प यू लॉट इन योर एग्जाम्स ठीक है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कर लीजिए ऐसे वीडियोज़ पाने के लिए तो और मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आऊंगी तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए रिवाइज़ करिए हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ़ nice यू